मुंगेली से है जाबर पथरिया में जल संसाधन विभाग मुंगेली डिवीजन पथरिया के द्वारा करीब 2,41,00,000 रुपए की लागत से तालाब सौंदर्यीकरण का काम कराया जाना है, जिसमें तालाब खुदाई समेत सीसी रोड स्टील के ग्रिल से चारों ओर घेराव किया जाना है, लेकिन ठेकेदार मनमाने तरीके से काम कर रहा है, जिससे पहली बारिश के आते ही सीसी रोड का उखड़ना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ तालाब के चारों ओर दीवारों में भी दरार दिखाई दे रही है, जिससे पुरानी दलदली मिट्टी होने से तालाब में गंदगी ज्यों त्यों बनी हुई है। आपको बता दें कि ठेकेदार प्रदेश के एक मंत्री का रिश्तेदार है, जिसके चलते इस मामले में अधिकारी ठेकेदार को बचाने में लगे हैं। अपने तालाब की मिट्टी को पार के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसके पश्चात उसी के ऊपर में अपना सीसी रोड बनाया जा रहा है बिना बैस किए। इसी तरह पहली ही बारिश में पूरा सीसी रोड जो है पूरा ढह गया है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ये तालाब का सौंदर्यीकरण, सीसी रोड का निर्माण यहाँ पर किया गया था, लेकिन पहली बारिश के बाद से ही ये सीसी रोड उखड़ने लगी है। ठेकेदार पर भी मनमानी का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा कहा जा रहा है कि एक मंत्री के रिश्तेदार हैं ठेकेदार साहब, और इस चक्कर में वो मनमानी भी अपने खूब करते हैं। जांच भी इस पूरे मामले की नहीं हो रही है। हाल ही में ये सीसी रोड का निर्माण किया गया था। देवेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता पथरिया से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सीसी रोड का निर्माण हुआ था तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन पहली बारिश के बाद ही ये सीसी रोड उखड़ने लगी, यानी कि साफ है कि रोड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जी पथरिया नगर पंचायत का मामला है। तालाब सौंदर्यीकरण के नाम में 2,41,00,000 का यहाँ पे काम जल संसाधन विभाग द्वारा निकाला गया था, जिसमें ठेकेदार वीना अग्रवाल के द्वारा काम चालू किया गया था, जिसमें पहली बारिश में ही जो वहाँ पे सीसी रोड बनाया गया था और तालाब को खोद के उस पार में मिट्टी तो डाला गया था, पहली बारिश में ही उखड़ने लगा है। और तालाब चारों तरफ कंक्रीटिंग करने के कारण वो तालाब जस के तस स्थिति में है, और तालाब में जो मिट्टी है उसको बाहर नहीं निकाला गया है, जिसमें अभी भी गंदगी बरकरार बनी हुई है। जी, ठेकेदार पर भी आरोप लग रहे हैं मनमानी करने के। कौन से मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार हैं ठेकेदार, जरा वो भी बता दीजिए नाम मंत्री जी का। मंत्री का नाम तो नहीं बताया, उनके मुंशी द्वारा बताया गया है कि ये ठेकेदार जो है ना मंत्री के आदमी है, आप लोग इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ठेकेदार साहब की शिकायत की गई वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से, उनके संज्ञान में मामला है, जिलाधिकारी के संज्ञान में मामला है। जी, एसडीओपी और राज सर जो है ई जो इस विभाग के इरिगेशन विभाग के, उनको फोन से संपर्क किया गया है राज सर से, जो फोन रिसीव नहीं किए हैं। एसडीओपी जो है वो बाल मुकुंद सिंह सर, उनसे 2-3 दिन से लगातार फोन से संपर्क किया जा रहा है, लोगों का भी टालते हुए ना लगातार टाला जा रहा है बातों को टाला जा रहा है। वहाँ के जो कलेक्टर हैं, डीएम हैं, उनसे शिकायत की गई। कलेक्टर साहब को इस बारे में जानकारी दी गई है। क्या कहना है उनका, कब तक कार्रवाई करेंगे अगर इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है तो? जी सर, मैं कलेक्टर सर से जानकारी बस दी गई है, उनको इस मामले में पूरी तरह से बताया नहीं गया है। लेकिन कलेक्टर साहब कार्रवाई का आश्वासन भी देंगे ना, इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो जिले के अधिकारी हैं वो तो। जी सर, वो बोल रहे हैं कि 4 दिन में कार्रवाई अपन करेंगे ठेकेदार के ऊपर सर से। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए।